महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि आज हड़ताल का तीसरा दिन है और करीब 18 लाख राज्य के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। इन हड़ताली सरकारी कर्मचारियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के भी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल है, जिसके चलते राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। इसके अलावा भीषण गर्मी के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है, जो कहीं ना कहीं डरावनी है। बीते दिन मुंबई के आजाद मैदान में हड़ताल पर बैठी एक नर्स अचानक से बेहोश हो गई। इसके अलावा कई हड़ताली कर्मचारियों के स्वास्थ्य बिगड़ने की खबरें सामने आ रही है। मुंबई में जिस तरह से मार्च महीने में गर्मी पड़ रही है, इसको देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से तत्काल हड़ताल खत्म करने की अपील की है, लेकिन अभी तक सरकार के अपील का कोई भी असर सरकारी कर्मचारियों पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है बेहद चिंताजनक है, क्योंकि कई ऐसे सरकारी कर्मचारी है जिनकी हड़ताल के दौरान तबीयत बिगड़ी है। लेकिन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेती, तब तक वह हड़ताल जारी रखेंगे। मैं कंत्राटी आरोग्य सेविका संगीता रेवड़े वर्धा जिले से आई हूँ और हमारा जो है ये आईटॉप महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते कंत्राटी नर्सेस यूनियन, इसका कल से यहाँ पर आजाद मैदान पे आंदोलन शुरू है और हम पूरे महाराष्ट्र से आरोग्य सेविका आई हुई है और यहाँ पर हम लोग कम से कम 3 से 4 हजार आरोग्य सेविका यहाँ पर आजाद मैदान में आए और हमारी सरकार से एक ही ख्वाहिश है कि आप अभी जो आने वाली भर्ती प्रक्रिया है उसमें पहले हमारा समायोजन करो, उसके बाद ही आप भर्ती प्रक्रिया करो। जब तक हमारा समायोजन करते नहीं तब तक हम भर्ती प्रक्रिया आपकी होने नहीं देंगे। इसलिए हमने इसके पहले भी एक बार आंदोलन किया, दो बार आंदोलन किया, सिर्फ हमको शासन आश्वासन दे रहे हैं, चॉकलेट जैसे चॉकलेट दे रहे हैं कि आज हम आपकी मीटिंग लगाते, कल मीटिंग लगाते, परसों मीटिंग लगाते, ऐसा करके वो हमको सिर्फ चॉकलेट दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। इसलिए हम आज कल से आजाद मैदान पर आए हैं और हम अभी आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर सरकार ने अभी हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम इससे भी ज्यादा आक्रोश आंदोलन करेंगे और आमरण उपोषण करेंगे। अगर हमको यहाँ हमारा जान भी देनी पड़ी तभी हम यहाँ सब आरोग्य सेविका देने के लिए तैयार है। इसलिए हम आपका आरोग्य आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी त्वरित मांगे पूरी करो।